आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। खाकसार को लोग केकड़ा बोलते हैं, इंस्पेक्टर के कड़ा। मैंने कहा था ना माया, तेरी तो मैं पलट दूंगा काया। दोस्तों, बाग को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन और उर्दू में कहते हैं गुलशन। और आज जिस गुलशन की मैं बात कर रही हूँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस गुलशन को कहती है बैड मैन। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़ाती ज़िंदगी में वो बैड मैन नहीं है, बहुत गुड मैन है, वेरी वेरी गुड मैन। और वो हैं बहुत ही वर्सेटाइल, अपने दौर के टॉप मोस्ट विलन, गुलशन ग्रोवर। बैड मैन प्रताप सिंह, गुड मैन केसरिया फिलायती, वेरी बैड मैन। इंस्पेक्टर, तूने कभी केकड़े का टोकरा देखा है? केकड़ा वो जानवर है जो कभी भी अकेला नहीं फंसता। राजा ने अगर मुझे फंसाया ना तो मैं सबको फंसा दूंगा। और ये मत भूल, तू अगर मेजर है तो हम जुर्म की दुनिया का कर्नल हूँ। कौन मरेगा कौन जिएगा ये फैसला तू नहीं, हम करेगा। दोस्तों, 80s के दौर में मैंने गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू लिया था, जब वो बिल्कुल नए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और उन्होंने बड़ी मज़ेदार बातें की थी। तो आइए देखते हैं उस प्रोग्राम की एक झलक। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि नाम तो है गुलशन और काम कांटे का, चुपते ही रहते हैं हीरो को हीरोइन को क्यों? तबस्सुम जी, अगर कांटा नहीं होगा फिल्मों में तो फूलों की अहमियत लोगों को कैसे पता चलेगी? अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कौन पूछेगा? और मैं कांटा यानी कि विलन किसी मजबूरी की वजह से नहीं बना कि भाई मैं हीरो नहीं बन सका इसलिए विलन बन गया ना। मैं विलन इसलिए बना हूँ क्योंकि मुझे विलन का काम पसंद है। विलन में मुझे लगता है एक्टिंग का ज्यादा स्कोप है बनिस्पत दूसरे कैरेक्टर्स के। अगर ऐसे ही होता तो शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना विलन से हीरो क्यों बन गए होते? ये उनकी मर्जी, अपनी अपनी पसंद। अच्छा गुलशन, एक बात हमें बताइए कि एक जमाना वो था जब फिल्मी विलन भवे चढ़ाकर डरौनी शक्ल बनाकर लोगों को डराया करते थे, काम किया करते थे बुरे बुरे। लेकिन आज का विलन जो है वो कॉमेडी के जरिए बुराई कर रहा है। आपने अपने लिए कौन सा रास्ता चुना है? तबस्सुम जी, अभी तक क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ, मैं वो करता आया हूँ जो डायरेक्टर साहब मुझसे कराते हैं। वो जो है वो कभी इस तरफ का विलन होता है, कभी उस तरफ का विलन होता है। पर जो मैं करना चाहता हूँ आगे जाके धीरे धीरे, जब मुझे करने की इजाज़त दी जाएगी, वो इन दोनों के बीच का विलन होगा जो मौका पड़ने पर भवें भी चढ़ाएगा तो बहुत इफेक्टिव लगेगा। कैसे चढ़ाएगा भवें? भवें भी चढ़ाएगा तो बहुत इफेक्टिव लगेगा, लगेगा कि सबको खा जाएगा। और अगर वो कॉमेडी करेगा कि किधर से गुजरा तो हीरोइन ने लात मार दी, उधर से गया तो हीरो ने टप्पू मार दिया, वो सब होगा तो भी सिचुएशन के हिसाब से होगा। इन दोनों के बीच का एक विलन जो जाती जिंदगी में एग्जिस्ट करता है ऐसा विलन होगा। मुझसे उमेश मेहरा जी ने थोड़ी बहुत उस किस्म की कोशिश कराई है सोनी महिवाल में। अच्छा। जिसमें मैं जरूरत पड़ने पर हंसाया भी है लोगों को। बस अब सब ठीक ही हो जाएगा। ये पहन, काला कंकर मस्कल अंदर कर दे बंदर, काला क्या कर रहे हो? अंदर कर दे, छोड़ दो मुझे, काला कंकर मस्कल अंदर कर दे बंदर, काला कंकर मेरी आंखों में देखो, काला कंकर मुझे याद डाला करता है, काला कंकर मस्कल अंदर कर दे बंदर, काला कंकर। नहीं नहीं सोनी, ये तो अंगूर शाह बाबा का आशीर्वाद है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी विलन हैं, तारीख इस बात की गवाह है कि जाती जिंदगी में वो बहुत ही नेक और रहमदिल हैं। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जी मैं बहुत नेक आदमी हूँ? क्यों, अगर हो तो कह दो कि मैं हूँ नेक। पर ये
इस वजह से कि जी विलन्स ज़ाती ज़िंदगी में सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सीधे होते हैं, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कई बार क्या होता था वसुम जी कि किसी के यहाँ फ़ोन किया कि जी मैं मिलने आ रहा हूँ, तो वो डायरेक्टर साहब अगर चले गए तो अपनी वाइफ से कह जाते हैं गुलशन ग्रोवर आएंगे, वो जो पिक्चरों में विलन का काम करता है तो उनसे मिल लेना या फला मैसेज दे देना। तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कोई लॉकेट पहने हुए लाल पीले का गुड लुकिंग आदमी आएगा कि क्या हाल है भाभी जी, ये वो उस तरह से। और मैं चला जाता हूँ, तुम मैं जा कहता हूँ जी वो नमस्ते जी, वो नहीं है घर पर, ठीक है जी फिर बोल देना मैं आया था। ओके जी, अच्छा जी, बाय बाय। तो इस तरह से मैं ज़्यादा ज़िंदगी में ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे करके चला जाता हूँ। तो रात को अपने पति को बताती है कि वो गुलशन ग्रोवर आया तो था, और मुझे नहीं लगता वो रोल में सूट होगा, होता है ऐसे ही लगता है कि पता नहीं एक्टिंग कर भी सकेगा, गुंडा बदमाश तो लगता नहीं। अच्छा, तो गुलशन आप इसका उल्टा क्यों नहीं करते, जाते क्यों नहीं है विलन बन के जाया कीजिए। हाँ, वो भी ट्राई कर चुका हूँ, वो भी ट्राई कर चुका हूँ। एक दो बार जब ऐसा हुआ बड़ा गुस्सा लगा, तो अगली बार मैं गया घंटी बजाए, नमस्ते भाभी जी कैसी हैं आप, और यूं करके टांग पर टांग रख के बैठा, सिगरेट पी और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, आंखें तो आपको मालूम है ही। तो उसका उल्टा इंप्रेशन हुआ, यानी उन्होंने कह दिया वो आदमी कुछ ज्यादा बदतमीज लगता है, मुझे लगता है मेरे पे निगाह रख के। इसलिए पता कर जाता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप विलन हैं, जैसे मैं पिक्चरों में विलन का काम करता हूँ, आप फिल्मों में मेरे काम में कहीं कमी बताइए कि जाती जिंदगी में मैं गुंडा बना घूमूं, बदतमीजी से पेश आऊं। अब कोई लेडी आती है, कोई आती है, मैं फौरन कुर्सी से उठता हूँ, हाथ जोड़ के नमस्ते करके बात करता हूँ, मेरा तरीका है, मैं नहीं तो अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। अब ये जरूरी थोड़ी है कि मैं यूं ही देखता रहूं, हां जी तबस्सुम जी क्या फिर प्रोग्राम। वेल सर, फिल्मों में आ कैसे गए, और आए तो स्ट्रगल करनी पड़ी या गर्मा गर्म हलवे की प्लेट तैयार थी? बिल्कुल हलवे की प्लेट तैयार नहीं थी, मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। कॉलेज के दिनों में वहाँ स्टेज पे कुछ किया? जी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत प्लेज करता था, उसके अलावा लिटिल थिएटर ग्रुप, वहाँ पे प्रोफेशनल ग्रुप है, उनके साथ प्लेज करता था। अच्छा, तो जब मुझे ये महसूस हो गया कि मुझे बनना है एक सेलिब्रिटी, एक हस्ती जो सब लोगों में अलग हो, अपने क्षेत्र में, जैसे अपने क्षेत्र में आप भी एक हस्ती हैं। थैंक यू। तो जब हस्ती बनना है तो फिर अपने उसी फील्ड को परस्यू करो। यहाँ पे आके मैंने रोशन दरेजा साहब के यहाँ एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली, स्ट्रगल शुरू की, काम नहीं मिला, तो फिर तबस्सुम जी मैंने एक्टिंग स्कूल में ही नौकरी कर ली। अच्छा, यानी एक्टिंग सिखाने लगे दूसरों को? ना 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 ना, एक्टिंग मैं नहीं सिखा रहा था, सिखाते तनेजा साहब थे, मैं सिर्फ साथ में हेल्प करता था, एज एन असिस्टेंट। हाँ जी। अच्छा, तो वहीं पे संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, ये सब लोग एक्टिंग सीखने आया करते थे। तो संजय के साथ जब मैं काम किया करता था तो सुनील दत्त साहब ने मुझे नोटिस किया और रॉकी में मुझे एक रोल दिया। और तुम तो लव के एक्सपर्ट हो ना, अब संभालो सिचुएशन। वैसे सिचुएशन तो सैड सॉन्ग की है रॉकी, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग घर से निकाले जा चुके हैं और वो मिस योगा बाजार में मिलने वाली नहीं है। अच्छा गुलशन, फिल्मी जिंदगी की इब्तिदा है अभी आपके लिए जी। इसकी इंतहा के बारे में आपने क्या सोचा है? मेरा मतलब है सिर्फ एक्टिंग ही करते रहेंगे या कुछ और भी? तबस्सुम जी, क्या मेरा एम्बिशन जो है ना वो भी एक कड़ियों में है। मतलब फिलहाल इस वक्त मेरी जिंदगी का एक ही एम है, एक ही एम्बिशन है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर विलन बनूं। वाह। तो फिलहाल तो मेरे दिमाग में वही है, उसके बाद आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मुझे अभी नहीं मालूम। तो भाई आपका जो एम्बिशन है, आपसे उम्र में बड़ी होने के नाते मैं आपको एक दुआ दूं कि भगवान करे आप हिंदुस्तान के सबसे जबरदस्त बुरे आदमी बन जाएं। मतलब पिक्चरों में। तो दोस्तों, गुलशन ग्रोवर ने अपने लिए जो दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई, पूरी हो गई, और वो अपने दौर के टॉप मोस्ट विलन बन गए। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तकरीबन हर फिल्म में वो अपना बोलने का अंदाज और गेटअप चेंज करते रहे। कीमत कितने कीमत चाहिए इसकी टांग की? 5 लाख? 10? 20? दिया डन। 40 लाख देता हूँ तुझे अभी, मुझे इसकी दूसरी टांग भी दे, इस की दूसरी टांग भी काट के ला। जजन के
किस्मत वाला था वो जो बच गया, वरना बिल्ला के निशाने से आज तक कोई नहीं बचा। आज सारा शहर गुल्लू दादा की आजादी की खुशी मना रहा है और तू चूहे की तरह डर के छुप गया है। बाहर निकल। 21 सितंबर 1955 में पैदा हुए थे गुलशन ग्रोवर दिल्ली में। उनके पिता का नाम था बिशंबर नाथ ग्रोवर और माँ का नाम था राम राखी ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर के एक बड़े भाई हैं और 5 बहनें। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि गुलशन ग्रोवर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी दिल्ली में। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से था और वो एक्टर बनना चाहते थे, इसलिए एजुकेशन कंप्लीट होते ही वो मुंबई आ गए। गुलशन ग्रोवर ने जो अपने लिए मांगा था भगवान ने उससे कहीं ज़्यादा उनको दे दिया। वो सिर्फ बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों के ही टॉप मोस्ट विलन नहीं बने बल्कि हॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम किया बहसियत विलन, और वहाँ भी वो सब पर छा गए। गुलशन ग्रोवर को इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मिल गया, वो लाइफ में बहुत अच्छी तरह सेटल हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब शादी कर लेना चाहिए, इसलिए 98 में उन्होंने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम था फिलोमीना और उनका एक ही बेटा है और उसका नाम है संजय। लेकिन अफसोस कि संजय बहुत छोटा सा था तो माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों का डाइवोर्स हो गया सन 2001 में। और गुलशन ग्रोवर ने उसी साल दूसरी शादी कर ली ताकि उनके बेटे को माँ का भी प्यार मिले। उनकी दूसरी बीवी का नाम था कशिश, लेकिन अफसोस कि वो शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और एक साल के अंदर ही दोनों का डाइवोर्स हो गया। और गुलशन ग्रोवर ने ये फैसला कर लिया कि मैं अब शादी नहीं करूँगा और अपने बेटे को मैं खुद माँ और बाप दोनों का प्यार दूँगा। उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। वो कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बेटे ने अपने करियर की शुरुआत की थी हॉलीवुड में, MGM स्टूडियो में बहसियत डायरेक्टर, और आज वो बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल्ड है। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि आज भी गुलशन ग्रोवर बहुत फिट और एक्टिव हैं और हर काम भरपूर लगन के साथ करते हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।